राजू सर वेलकम टू बॉलीवुड क्रेजीज। कितने एक्साइटेड फिल्म देखी आपने सलार, क्या कहेंगे? इस साल की सबसे बेस्ट मूवी लगी मुझे, मतलब एक्शन सीन्स हो या डायरेक्शन हो या सिनेमेटोग्राफी हो या म्यूजिक हो, बेस्ट फिल्म ऑफ 2003 आई थिंक। ये राजामौली और प्रशांत नील ये क्या डायरेक्टर्स हैं, मतलब ऐसी मूवीज बनाते कि हर सीन में गूसबम्प्स, स्टोरी स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा ज़बरदस्त, और इतना मतलब एक दोस्ती दिखाई है कि वो अपने दोस्त को उसका हक दिलवाने के लिए मतलब आप देखिए कि उसको कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे एग्जीक्यूट किया है, और एक्शन सीन्स वर्ल्ड क्लास। मैं तो बोलता हॉलीवुड के भी डायरेक्टर्स इनकी सीख की जा सकते हैं। और तभी राजामौली जी ने कहा था कि कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर को मुझे ये नहीं कर सकता, हॉलीवुड के साथ ही मैं कम्पीट कर सकता हूँ। और वो सच बात है कि मतलब हर सीन में गूसबम्प्स, और ये ऐसा स्क्रीन प्ले, मतलब रवि प्रस्तूर का म्यूज़िक ऐसा गूसबम्प्स देने वाला, डायरेक्शन इतना ज़बरदस्त, एक्शन सीन्स वर्ल्ड क्लास, स्टोरी इतनी अच्छी स्क्रीन प्ले, और परफॉर्मेंसेस प्रभास का क्या कमबैक, इम्पेकेबल परफॉर्मेंस। हैट्स ऑफ टू प्रशांत नील, हैट्स ऑफ टू प्रभास। क्या उनका बॉडी है, फिजीक देखिए, और उसके साथ वो पृथ्वीराज साउथ के एक्टर, ओ माई गॉड। श्रुति हसन का भी कितना अच्छी लुक, सो एलिगेंट एंड सो ग्रेसफुल। और उसके साथ साथ जगपति बाबू, जितने भी एक्टर्स हैं सपोर्टिंग कास्ट में, मैंने आज तक ऐसी मूवी, मतलब KGF को भी मुझे लगता है उसकी भी नेक्स्ट लेवल है। और अभी पार्ट टू डिक्लेयर किया तो हमें लग रहा है कि पार्ट टू में क्या होगा। ओ माई गॉड, क्या विजन! आप देखिए ना एक एक सीन, कि अगर उनको थोड़ा सा भी कोई मतलब छोटा सा भी सीन दिखाना है तो क्या विजन! कहीं से कहीं पे अंगारे गिर रहे हैं, कहीं पे कोई कुछ मतलब आयन से ये कर रहा, मतलब ऐसा विजन, ओ माई गॉड, सीरियसली बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया। लगा ही नहीं कि हम मतलब ये डब्ड मूवी है, ये भी एक हैट्स ऑफ टू द डबिंग आर्टिस्ट। वही अच्छा लगा, बट दो मतलब जो इस मूवी के किरदार हैं, मेन तो प्रभास ही, आई थिंक ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट एंड ही शाइन्स ऑल थ्रू द मूवी। वर्ल्ड क्लास मैंने बोला ना, बॉलीवुड तो इसके आसपास भी अभी खड़ा नहीं हो सकता। अगर बॉलीवुड ने ये मूवी देख ली तो वो चक्कर खा के गिर जाएंगे। आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, हर सीन में गूसबम्स। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसी मूवी देखी, ये हमारा सौभाग्य है कि राजामौली और प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर्स है इंडिया में, उनकी पैर धो के पीनी चाहिए बॉलीवुड को। लॉट टू लर्न सीरियसली। एग्जीक्यूशन इज जस्ट मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है, आई एम स्पेल बाउंड आफ्टर सीइंग द एग्जीक्यूशन। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, मैंने कहा ना एक छोटा छोटा मतलब सीन भी उन्होंने जिस तरह शूट किया है कि मतलब अगर कोई कुछ सोच रहा है, कहीं से अंगारे गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ मतलब वो आप देखिए उनका विजन देखिए कि एक छोटे से सीन को भी कहीं पे खून टिप टिप गिर रहा है, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड्स को देखिए। आई हैव नो वर्ड्स। सिनेमेटोग्राफी भुवन गौड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी। नो वर्ड्स। रेटिंग में फिर भी 4 दूंगा, अभी पार्ट 2 डिक्लेयर हो जो उसको 5 देना है। लेट्स हैव मोर, मतलब और नेक्स्ट लेवल, इससे भी नेक्स्ट लेवल जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा। थैंक यू।